हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वर्षा, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पे ये हम करवा चौथ ब्लॉग पार्ट टू है मेरा, और आपने अगर ब्लॉग फर्स्ट अभी नहीं देखा है पार्ट वन, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, और हम चलेंगे अब पूजा करने के लिए। तो फिर आइए चलते हैं पूजा करने। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, मेरे बाल एक्चुअली भींगे हुए थे, इसकी वजह से मेरे कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बन पाया। तो इसके लिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि मैं उस दिन मैचिंग सेंटर गई थी ना, करवा चौथ शॉपिंग ब्लॉग में आपको मेरे मिलेगा। तो मैं इसी ब्लाउज़ का, साड़ी का ब्लाउज़ का मैचिंग लेने गई थी, ब्लाउज़ मैचिंग। तो मैंने यही लिया था, और मैंने स्टिच के लिए दिया था इसे। तो एक्चुअली साड़ी का जो ब्लाउज़ पीस था ना, उसका मैं जैसा चाहती थी वैसा नहीं बन पा रहा था, इसलिए मुझे ऐसा ही ब्लाउज़ बनवाना पड़ा फिर लेके। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैं कैसी लग रही थी। यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली मेरी पूजा वाली क्लिप वीडियो जो थी वो डिलीट हो गई थी, इसके लिए प्लीज़ प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, और एक्चुअली कैसे डिलीट हो गया वो भी मुझे नहीं पता चला। तो यहाँ पे मैं पूजा करके आ गई थी, उसके बाद छत पे चंद्र भगवान को अर्घ देने। और चंद्र भगवान को अर्घ देख के उसके बाद मैं अपने हस्बैंड की भी पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चार बार फेरा लगाते हैं चंद्र भगवान की, तो मैंने भी चार बार फेरा लगा लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले अर्घ दूंगी, और हमारे में होता है क्या कि अब बाल की एक हाथ में एक लट पकड़ के और आंचल हाथ में लेके उसके बाद आपको अर्घ देना होता है। तो मैंने भी वैसे ही दिया था चार बार। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और उसके बाद मैं फेरे लगाऊंगी। तो और प्लीज़ प्लीज़ इसके लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मेरा वीडियो क्लिप जो वो था कैसे डिलीट हो गया मुझे पता भी नहीं चला, मुझसे हो गया या मेरे बेटे ने कर दिया। वो पूरा वीडियो ही परमानेंट डिलीट हो गया, तो उसके लिए सॉरी। बट जितना वीडियोस मेरे पास रह गया था मैं आपके लिए ज़रूर डाल दूंगी इसमें। और यहाँ पे मैं चांद को शूट करना चाह रही थी एक साथ, तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की पूजा कर ली, और उन्हें अब मैं कुछ मीठा खिलाने वाली थी, तो पहले उन्होंने ही खिला दिया। एक्चुअली हमारे छत पे थोड़ा अंधेरा था, और बल्ब लगाने का कोई ये नहीं था, तो मैं अपने लाइट से ही, स्टैंड लाइट जो था मेरे पास, रिंग लाइट, उससे ही मैंने मैनेज किया। तो यहाँ पे हमारी खिड़की के पास से भी चांद दिख रहा था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अर्घ देके, और मैंने साड़ी वाड़ी चेंज कर लिया है क्योंकि दाग लगने के चलते। तो थोड़ी देर हो चुकी है, और मैं यहाँ पे तल रही थी पूरी, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो मैंने बनाया था पूरी, पुलाव, एक्चुअली मटर वाली कचौरी थी, और सब्ज़ी वगैरह, और मीठे में मैंने सेवई बनाया था। तो ये व्लॉग मेरा यहीं तक का था, तो आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।